बिल्के, क्या तुम्हें उस लड़की जुमरुद और उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला? नहीं मीने, उन्होंने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर दी और उसके अकाउंट का भी पता नहीं चल सका। अली तक पहुंचने का ये वाहिद रास्ता है, कुछ तो करो तुम प्लीज। फिकर मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया बिल्के, मैं इंतजार करूंगी। ढूंढ के रहूंगी अली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। माफ करना मुझे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ठीक हो तुम? तुम्हारा भाई यहां जिंदगी की जंग लड़ रहा है और तुम हो कि तुम्हें इस लड़की की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनिए दादी। कुछ नहीं सुनना बरान, कुछ भी नहीं। इसे हिसाब देना होगा, इसने मेरे पोते के साथ क्या किया। दादी बस करें। जो आपने सोचा वैसा नहीं है, बल्कि इसने तो जिहान की जान बचाई है। क्या मतलब है? यहां हॉस्पिटल में कोई दोबारा जिहान को मारना चाहता था, अगर ये ना होती तो शायद जिहान कब का हमें छोड़कर जा चुका होता। झूठ है ये। झूठ नहीं है ये, सच है और यकीन करना होगा आपको। आ जाओ बेटी, चलो। चलो बेटी चलते हैं। बारान, सब कुछ होने के बावजूद तुम
तुम उस लड़की की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी ठीक कह रही है बारान। जब से वो हमारे खानदान में आई है, इंतजार फैला दिया है हमारे दरमियान, और तुम भी उसी पर यकीन कर रहे हो। वो बेटी है हमारे दुश्मनों की, और दुश्मनी दिखा भी रही है। दुश्मन की बेटी जरूर है ये, मगर ये हमसे दुश्मनी नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो जिहान की जान नहीं बचाती, मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर 100% भरोसा है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। फिर जिहान के साथ ही किसने किया? कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो भी है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा।